हेलो दोस्तों, आज का हिंदी एडिटोरियल का टॉपिक है दिल्ली अंडरमाइंड। दिल्ली अंडरमाइंड का मतलब है दिल्ली को कमज़ोर किया जाना। यहाँ बात हो रही है दिल्ली सरकार की। यहाँ पर जो है केंद्र सरकार ने एक अमेंडमेंट लाया है, एक बिल लाया था जिसके तहत जो GNCTD एक्ट जो होता है, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ NCT दिल्ली, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो है एक एक्ट है, उसको जो है अमेंड करने के लिए एक बिल लाई थी सरकार ने, केंद्र सरकार ने। उसके तहत जो है दिल्ली की जो पावर है, यानी कि दिल्ली सरकार की जो पावर है, जो कि वहाँ की चुनी हुई सरकार है, उसको उसका पावर जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर को दे दिया गया है। तो इसी से संबंधित आज का एडिटोरियल है और मैं हूँ आपके साथ अमिताभ आनंद। तो शुरू करते हैं। बिल टू अमेंड GNCTD एक्ट इज अ रोल बैक ऑफ द नोशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। ये जो बिल है, ये विधेयक जो है अमेंड करने की, मतलब संशोधित करने की GNCTD एक्ट को, ये क्या है, एक रोल बैक है। मतलब कि रोल बैक का मतलब होता है किसी चीज़ के इन्फ्लुएंस को कम करना, रिड्यूस करना। रोल बैक ऑफ द नोशन ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट। रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट क्या होता है? ऐसे गवर्नमेंट जो कि रिप्रेजेंट करता है लोगों को, यानी कि प्रतिनिधि जो सरकार है उसकी अवधारणा का ये एक तरीके से रिड्यूसिंग है। मतलब कि आप कह सकते हैं ये उसकी कमी है या उसको कम करना है, ठीक है। ये जो एक्ट है, ठीक है, GNCTD एक्ट को अमेंड करके ये जो विधेयक जो है अपने आप में जो है ये एक रोल बैक है नोशन ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का, ठीक है। द सेंटर्स बिल सीकिंग टू अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू द रूलिंग ऑफ द सॉरी रनिंग ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली क्लेम्स दैट इट इज एम्ड एट गिविंग इफेक्ट टू द इंटरप्रिटेशन गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स ऑन दिल्लीज गवर्नेंस स्ट्रक्चर। ये जो सेंटर का जो विधेयक है जिसमें मांग की गई है अमेंड करने की, यानी संशोधन करने की उस कानून को जो संबंधित है रनिंग ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, यानी कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी जो है, यानी कि राष्ट्रीय राजधानी जो क्षेत्र है दिल्ली का, उसको संचालित करना या उसको जो है चलाने के लिए जो संबंधित कानून है उसको संशोधित करने के लिए जो बिल में मांग की गई है, उस बिल का दावा है। अब इसका जो मेन वर्ब यहाँ पर है वो दावा करती है, ये विधेयक में दावा है ये कि इसका उद्देश्य जो है वो क्या है, एट गिविंग इफेक्ट। ये एम्ड के पास एट भी लगता है और टू भी लगता है, याद रखिएगा। अगर टू लगेगा तो यहाँ गिव इफेक्ट हो जाता है, ठीक है ना। एट लग रहा है तो ING, यानी कि ऑब्वियस है, प्रीपोजिशन है। तो एम्ड एट गिविंग इफेक्ट, गिविंग इफेक्ट का मतलब समझिए, गिव इफेक्ट टू समथिंग का मतलब होता है किसी चीज़ को लागू करना, ठीक है ना। टू मतलब टू इम्प्लीमेंट समथिंग इन प्रैक्टिस, ठीक है ना, या टू कैरी आउट समथिंग इन प्रैक्टिस। और एक और मतलब मतलब कि इसका एक और, जैसे गिव इफेक्ट टू, इसका मतलब समझ के लागू करना किसी चीज़ को या अमली जामा पहनाना। लेकिन एक होता है टेक इफेक्ट। टेक इफेक्ट का जो मतलब होता है वो मतलब होता है कि टू प्रोड्यूस समथिंग, ठीक है। तो ये देख लीजिएगा डिक्शनरी में। तो दिल्ली मतलब कि ये जो बिल है उसका दावा है कि इसका उद्देश्य, यानी कि इस बिल का जो उद्देश्य है वो क्या करना है, उस मतलब कि इंटरप्रिटेशन जो कि सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के द्वारा जो दिए गए थे दिल्ली गवर्नेंस के स्ट्रक्चर पर, ठीक है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के द्वारा जो दिए गए थे वो इंटरप्रिटेशन को अमली जामा पहनाना है, उसको लागू करना है, इसका उद्देश्य है। द प्रपोज चेंजेस आर द वेरी एंथेसिस सॉरी एंटीथेसिस ऑफ व्हाट द कोर्ट हैज सेड। ये जो प्रस्तावित जो बदलाव है ना वो क्या है, बिल्कुल विपरीत है, एग्जैक्ट अपोजिट है ऑफ व्हाट द कोर्ट हैज सेड, जिसको कि कोर्ट ने जो कहा है उसका बिल्कुल ये विपरीत है। द बिल इफ इट बिकम्स लॉ, ये जो बिल है यदि ये कानून बन जाता है तो विल हॉली अंडरमाइन द कोर्ट्स एफर्ट्स। ये तब क्या करेगा, पूरी तरीके से कोर्ट का इस प्रयास को कमजोर कर देगा, जिसके तहत जो है कोर्ट ने जो है वो क्या करने की कोशिश की थी, टू स्ट्रेंथन द इलेक्टेड गवर्नमेंट विज अवीज द अपॉइंटेड लेफ्टिनेंट गवर्नर। अब विज अवीज का मतलब समझिए, विज अवीज का दो मतलब होता है, इन रिलेशन टू किसी के संबंध में या फिर इन कंपैरिजन विथ, यानी कि उसके तुलना में। तो अपॉइंटेड यानी कि जो नियुक्त किए गए लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं किसी भी यूनियन टेरिटरी का,
ठीक है, उसकी तुलना में इलेक्टेड गवर्नमेंट को मजबूत बनाने का जो कोर्ट का जो प्रयास है उसको यह अंडरमाइन कर देगा, उसको कमजोर करेगा यह बिल अगर कानून बन जाता है तो। द कॉन्स्टिट्यूशन बेंच वर्डिक्ट ऑफ जुलाई 4, 2018 से ये जो संवैधानिक पीठ जो है, पीठ के जो फैसले थे जुलाई 4, 2018 के, यानी कि जुलाई 4, 2018 के जो संवैधानिक पीठ के जो फैसले थे उसमें कहा क्या गया था, द लेफ्टिनेंट गवर्नर गवर्नर हैज नॉट बीन इंटरेस्टेड विथ एनी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर। यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो होता है उसे सौंपा नहीं गया है, इंटरेस्ट का मतलब होता है सौंपा, और इंटरेस्ट के साथ विथ आता है, याद रखिएगा। तो ये जो है मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर को सौंपा नहीं गया है कोई भी इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग पावर, मतलब कोई भी स्वतंत्र निर्णय लेने की शक्ति को नहीं सौंपा गया है। ही हैज़ टू आइदर एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो उसे ही मतलब हो गया लेफ्टिनेंट गवर्नर को, या तो उसे जो है काम करना पड़ेगा, ठीक है, एक्ट एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यानी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मतलब मंत्रिपरिषद के सहायता और सलाह के आधार पर उसे काम करना पड़ेगा, या फिर और ही इज बाउंड, वो बाध्य होगा लागू करने के लिए डिसीजन को, निर्णय को टेकन बाय द प्रेसिडेंट, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा लिए गए निर्णय है उसको उसको लागू करने के लिए बाध्य होगा। ये जो डिसीजन लिए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा वो किसके आधार पर लिए जाते हैं, ऑन अ रेफरेंस बीइंग मेड बाय हिम, हिम यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर के द्वारा जो रेफरेंस दिया जा रहा है, जो संस्तुति की जा रही है, उसके आधार पर जो प्रेसिडेंट कोई निर्णय लेते हैं तो उसको जो है वो बाउंड होगा, यानी कि बाध्य होगा उसको इंप्लीमेंट करने के लिए। द एड एंड एडवाइस क्लॉज पर्टेंस ओनली टू मैटर्स ऑन विच द इलेक्टेड असेंबली हैज पावर्स अंडर द स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट। ये जो एड एंड एडवाइस है ना, उसका ये जो खंड है क्लॉज जो है, एड एंड एडवाइस का क्लॉज जो है वो संबंधित है केवल उन मामलों से जिस पर जो है इलेक्टेड असेंबली यानी कि निर्वाचित सदन के पास पावर होती है अंडर द स्टेट एंड कंकरेंट लिस्ट, यानी कि स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के तहत, यानी कि राज्य का जो सूची होता है और समवर्ती सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों जो है उसमें कानून बना सकते हैं। तो ये जो स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के तहत जो पावर होती है असेंबली इलेक्टेड असेंबली को, उसी से संबंधित ये जो है एड एंड एडवाइस संबंधित है, ठीक है ना। यानी कि एड एंड एडवाइस क्लॉज जो है वो केवल उन मामलों से संबंधित है जिन मामलों पर इलेक्टेड असेंबली जो है उसको पावर है स्टेट और कंकरेंट लिस्ट के तहत, बट विद द एक्सेप्शन ऑफ, लेकिन इसमें अपवाद है क्या, पब्लिक ऑर्डर यानी कि सार्वजनिक जो व्यवस्था है उसका, पुलिस का है, लैंड का है, एंड वेयर एवर देयर आर डिफरेंसेस, और जहाँ कहीं भी कोई डिफरेंसेस होता है, मतभेद होता है बिटवीन द एलजी एंड इलेक्टेड गवर्नमेंट, ठीक है ना, यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच और इलेक्टेड गवर्नमेंट के बीच अगर कोई भी मतभेद होता है, द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब क्या हुआ, ये फॉर्मर हो गया, ये लेटर हो गया, ठीक है ना। तो इसमें दो बात हो रही है, तो फॉर्मर जो है यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को जो है अगर कोई भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है दोनों के बीच, तो फॉर्मर यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो रेफर कर सकता है या रेफर करना चाहिए द क्वेश्चन को, यानी कि जो इस प्रश्न पर जो जिस प्रश्न को लेकर ये जो डिफरेंसेस है उसको जो है किसके पास रेफर करना चाहिए, प्रेसिडेंट के पास। द कोर्ट वॉज एट पेंस, यहाँ पर देखिएगा पेंस जो होता है यहाँ पर दर्द या पीड़ा की बात नहीं हो रही है, कभी भी याद रखिएगा अगर दर्द या पीड़ा की बात होती हो तो वो कभी भी काउंटेबल नहीं हो सकता, क्योंकि एक दर्द दो दर्द नहीं होता है हमें, ठीक है ना, दर्द को हम गिन नहीं सकते हैं, ठीक है। तो जब आप किसी चीज को गिन नहीं सकते तो वो प्लूरल नहीं होगा, लेकिन अगर ये प्लूरल है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है प्रयास, अटेम्प्ट, ठीक है ना। तो द कोर्ट वॉज एट पेंस मतलब कोर्ट जो है ट्राइड वेरी हार्ड, बहुत ही ज्यादा इसने कोशिश किया क्लेरिफाई करने की, स्पष्ट करने की, दैट द पावर टू रेफर एनी मैटर टू द प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति को किस कोई भी मामला भेजने का या रेफर करने का जो शक्ति है उसका यह मतलब नहीं है कि प्रत्येक मैटर को जो है इसी तरह रेफर किया जाना चाहिए, ठीक
ठीक है ना। द गाइडिंग प्रिंसिपल, जो मार्गदर्शक सिद्धांत जो है वो क्या था, वॉज दैट द इलेक्टेड गवर्नमेंट शुड नॉट बी अंडरमाइंड, कि जो एक चुनी हुई सरकार है वो कमजोर नहीं होनी चाहिए किसी भी अनइलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर, यानी कि गैर निर्वाचित जो प्रशासक है, यहाँ के संदर्भ में आप एलजी कह सकते हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर, तो उनके द्वारा जो है इलेक्टेड गवर्नमेंट को अंडरमाइंड नहीं किया जाना चाहिए। द बिल इंट्रोड्यूस इन द लोकसभा, लोकसभा में पेश किया गया जो ये विधेयक है, डज वायलेंस टू द इंटरप्रिटेशन, वो जो है इस इंटरप्रिटेशन, इस व्याख्या का उल्लंघन करता है, वायलेंस करता है। द बिल सिक्स टू डिक्लेयर दैट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ लेजिस्लेशन पास्ड बाई दिल्ली असेंबली, ऑल रेफरेंसेस टू गवर्नमेंट वुड मीन द लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये बिल जो है ये चाहती है घोषित करना, मतलब कि ये घोषणा करना चाहती है कि दिल्ली असेंबली के द्वारा पारित किए गए कोई भी, मतलब दिल्ली दिल्ली असेंबली यानी कि दिल्ली जो विधानसभा है या दिल्ली सदन के द्वारा पारित किए गए जो कानून है उसके संदर्भ में, ठीक है ना, सारे रेफरेंसेस जो है, जितने भी रेफरेंस होती हैं, मतलब कि जितने भी संदर्भ में जो हैं ये गवर्नमेंट को लेकर, ठीक है ना, वो दिल्ली सरकार की ना होकर उसका वो जो होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पर होगा। तो ये बिल ये चाहती है डिक्लेयर करना, ठीक है ना। तो बिल सिक्स टू डिक्लेयर, ये चाहती है डिक्लेयर करना कि कोई भी अगर कानून पारित होता है या कोई भी कानून के संदर्भ में जो कि दिल्ली असेंबली के द्वारा पास किया जाए, तो ये जितने भी गवर्नमेंट का जो रेफरेंसेस होना चाहिए वो होना चाहिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के नाम पर, ठीक है ना। इंडीड, निसंदेह दिल्ली जो है एक यूनियन टेरिटरी है, ठीक है ना, एक केंद्र शासित प्रदेश है, बट इट इज समवॉट, लेकिन ये कुछ हद तक इनकॉन्ग्रुअस है, मतलब असंगत है, बड़ा अनयूजुअल है, ठीक है ना, फॉर अ टेरिटरी विथ एन इलेक्टेड हाउस, एक ऐसा क्षेत्र जिसमें जो है चुनी हुई सदन है यानी कि निर्वाचित सदन है, उसे जो है डिक्लेयर किया जाए, उसे घोषित किया जाए इसके रूप में द सोल डोमेन ऑफ द एलजी, यानी कि ये जो क्षेत्र है जहाँ पर एक इलेक्टेड हाउस भी है यानी कि चुनी हुई सरकार भी है वहां पर, तो उसे जो है आप केवल एक एलजी का सोल डोमेन कहकर जो है उसके रूप में डिक्लेयर करते हैं, तो ये बड़ा इनकॉन्ग्रुअस होगा, बड़ा एक तरीके से एक असंगत होगा, बड़ा अनयूजुअल होगा। द अपेक्स कोर्ट हैड राइटली कॉन्क्लूडेड, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने मतलब कि सही रूप से जो है ये निष्कर्ष दिया था या सही रूप से ये कहा था कि दैट द स्कीम सेट आउट इन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991, यानी कि संविधान में और गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट जो कि 1991 का है, उसमें जो योजना निर्धारित की गई है, ठीक है ना, उसमें वो योजना में जो है वो ये योजना जो है इन विशेष करती है, मतलब परिकल्पना करती है एक कोलाबरेटिव स्ट्रक्चर का, एक सहयोगात्मक संरचना या ढांचे का, मतलब की कल्पना करती है जिस जो पूरा किया जा सकता है ओनली थ्रू कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट, यानी कि केवल संवैधानिक ट्रस्ट के माध्यम से ही इसे पूरा किया जा सकता है। द प्रोविजो टू आर्टिकल 239 AA, ये जो आर्टिकल अनुच्छेद 239 AA है उसके शर्त के, मतलब उसका जो शर्त है, प्रोविजो का मतलब शर्त, तो आर्टिकल 239 AA का जो शर्त है जो कि इम्पावर करती है एलजी को, जो अधिकार देती है लेफ्टिनेंट गवर्नर को कि वो रेफर करे डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को, यानी कि मतभेद को, जो मतभेद किसके साथ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के साथ, वो किसको रेफर करने के, मतलब प्रेसिडेंट को रेफर करने की शक्ति देती है या अधिकार देती है ये आर्टिकल 239 AA। तो उसका जो शर्त है वो, उसका यह मतलब नहीं है कि दैट द एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर इज गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू कम अप विथ अ डिफरेंट ओपिनियन ऑन एवरी डिसीजन मेड बाय द मिनिस्ट्री, ठीक है ना, यानी कि इसका यह मतलब नहीं है कि एडमिनिस्ट्रेटर, यहाँ पर जो एडमिनिस्ट्रेटर कौन है, एलजी, तो एलजी को जो है यह अपॉर्चुनिटी नहीं है, यह अवसर, मतलब कि उसे यह मौका या यह अवसर नहीं दिया गया है कि वो अपना अलग राय रखे प्रत्येक डिसीजंस पर जो मिनिस्ट्री के द्वारा किए जाते हैं। येट फिर भी इट इज प्रिसाइसली दैट द बिल प्रपोजेस टू डू, फिर भी जो है यह बिल्कुल वैसा ही है जो बिल प्रस्तावित करता है ऐसा करने की।
एंड इट इज क्वाइट इनकॉन्ग्रुअस दैट इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट आइडेंटिफाइंग द मैटर्स ऑन विच द एलजीज ओपिनियन शुड बी शॉर्ट द बिल प्रपोजेस दैट द एलजी हिमसेल्फ वुड स्पेसिफाई सच मैटर्स। तो यह जो है बिल्कुल इनकॉन्ग्रुअस है, बड़ा असंगत है कि दैट इंस्टीट्यूट ऑफ पार्लियामेंट आइडेंटिफाइंग द मैटर्स ऑन विच द एलजीज ओपिनियन शुड बी शॉर्ट, यानी कि इसके बजाय कि मतलब कि पार्लियामेंट जो है उन मामलों की पहचान करे जिस पर एलजी की ओपिनियन को मांगा जाए, ठीक है, शुड बी शॉर्ट, उसके बजाय क्या करती है, बिल जो है वो प्रस्तावित करती, प्रस्ताव रखती है, या मतलब कि ये जो विधेयक जो है उसका ये प्रस्ताव है कि एलजी जो है वो खुद जो है हिमसेल्फ वुड स्पेसिफाई सच मैटर, इस टाइप के मैटर्स को खुद निर्दिष्ट करे। The clause that declares void any rule that empowers the assembly or its committees to discuss any matter of day-to-day administration or conduct inquiries amounts to a rollback of representative government. ये जो clause है जो declare करती है void any rule, किसी भी नियम को जो है ये रद्द करती है ये clause, जो नियम असेंबली या फिर इसके कमिटी को अधिकार देती है डिस्कस करने के लिए कोई भी मैटर, कोई भी मामले जो डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन से जुड़ा हुआ हो, या फिर कोई भी इंक्वायरी करने के लिए जो उन्हें एम्पावर करती है, उसको यह क्लॉज जो है, ये खंड जो है वो मतलब कि उस नियम को निरस्त कर देती है, ठीक है। और इसका जो मतलब है, अमाउंट्स टू का मतलब इज इक्विवेलेंट टू, इसकी मतलब एकदम बिल्कुल इसका मतलब क्या है, रोल बैक ऑफ रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का एक तरीके से खात्मा, या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट का मतलब कि एक तरीके से कह सकते हैं उसको रिड्यूस कर रहे हैं आप, ठीक है। द यूनियन टेरिटरी कॉन्सेप्ट इज वन ऑफ द मैनी वेज, ठीक है, ये यूनियन टेरिटरी का जो कॉन्सेप्ट, जो अवधारणा थी, अवधारणा है, वो वन ऑफ द मैनी वेज, कई सारे तरीकों में से एक है जिसमें इंडिया जो है यानी कि भारत जो है नियंत्रित करती है रिलेशंस को बिटवीन द सेंटर एंड इट्स यूनिट्स, यानी कि केंद्र और इसकी जो इकाइयां हैं उसके बीच के संबंध को ये नियंत्रित करती है भारत, इस मतलब कई सारे तरीकों में से एक तरीका जो है यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट भी है। इट्स शुड नॉट बी यूज टू सपोर्ट द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी, तो इसका जो इस्तेमाल नहीं होना चाहिए किसके लिए, टू सबवर्ट द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रल डेमोक्रेसी, यानी कि चुनावी जो प्रजातंत्र है, जो लोकतंत्र है, उसके आधार को ख़त्म करने के लिए इसका इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का एडिटोरियल यहीं समाप्त हुआ, अपनी राय अवश्य दें, अगर देना चाहें तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, नमस्कार।